हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कंप्लाइंसिस के बारे में। क्या होता है कि जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बना लेते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते ही बहुत सारे इनकम टैक्स या ROC की कंप्लाइंसिस जो हैं आपके साथ जुड़ जाती हैं। और वो जो कंप्लाइंसिस हो सकती हैं, वो मंथली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, एनुअली हो सकती हैं, या वन टाइम भी हो सकती हैं। तो ये सारी ही कंप्लाइंसिस का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर ये कंप्लाइंसिस आप मिस कर देते हैं, क्या होता है कि कई बार आप ये डिसीज़न ले लेते हैं जल्दबाजी में कि आप कोई बिज़नेस करेंगे तो वो कंपनी को बना के ही शुरू करेंगे, बट क्या होता है कि आपकी का जो बिज़नेस आपने शुरू किया है, आपका उसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता नहीं है, आपकी ज़्यादा सेल होती नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि जो भी कंप्लाइंसिस होती हैं इनकम टैक्स या ROC की, उसको करते ही नहीं है। इवन अगर आपकी सेल नहीं होती है, तो आप सोचते हैं कि मुझे कोई TDS की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, या बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, या GST की रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि कंपनी बनाने के बात क्या है, तो बहुत सारी कंप्लाइंसिस ऐसी हो जाती हैं जहां पर आपको वो करनी ही पड़ेंगी अगर आपकी सेल इवन ज़ीरो भी हो। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको यही बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी कंप्लाइंसिस हैं जो मैंडेटरी होती हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। जब आपने एक कंपनी बनाई और आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा आपका टर्नओवर नहीं है, तो आपको भी ये कंप्लाइंसिस का ध्यान रखना है और टाइमली इनको करना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको क्या है, 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम डिटेल में जो है इन कंप्लाइंसिस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, जैसे ही आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा ली है, तो सबसे पहले जो इमीडिएट आपको कंप्लाइंस करना होता है कंपनी को बनाते ही, तो जो इमीडिएट आपका कंप्लाइंस रहने वाला है, तो सबसे पहले तो क्या है, आपको एक बैंक के अंदर करंट अकाउंट ओपन करवा लेना है उस कंपनी के नाम से। तो जैसे ही आपका करंट अकाउंट उसके अंदर ओपन हो जाएगा, तो क्या होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वो 1 लाख रुपये आप रख सकते हैं, मिनिमम जो होती है। तो मैं मिनिमम की ही बात कर रहा हूँ। तो सपोज़ करें अगर आप दो है जो दो शेयर होल्डर हैं, तो दो शेयर होल्डर होने भी जरूरी हैं कंपनी के अंदर। तो सपोज़ करें ये इक्वल जो है शेयर होल्डर हैं, तो दोनों के ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 50,000 का कैपिटल का कंट्रीब्यूट किया है। तो वो जो कैपिटल है 50,000 की, आपको क्या करनी है, वो जो आप ये करंट अकाउंट ओपन करवाएंगे, इस करंट अकाउंट के अंदर दोनों ही शेयर होल्डर क्या है इक्वल रेशियो में वो 50,000 रुपये जो है डिपॉजिट करवा देंगे। जो भी आपका रेशियो रहेगा, अगर आपका 70-30 रहेगा तो 70-30 में करा दीजिए। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि इक्वल रेशियो होगा, तो वो 50,000 जो है शेयर कैपिटल इस करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो आपका ये भी एक कंप्लाइंस का पार्ट है। उसके बाद क्या है, जैसे ही कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो उससे आपको ध्यान रखना है एक शेयर सर्टिफिकेट भी आपको, जो भी आपका कंपनी सेक्रेटरी होगा या जो है, आपको ध्यान रखना है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट जो है इशू करवा लेना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार शेयर सर्टिफिकेट आप इशू ही नहीं करवाते हैं, बस कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो है इमीडिएट हमारी, जैसे ही आप इनकॉर्पोरेट करेंगे कंपनी को, तो ये कंप्लाइंसिस आपको इमीडिएटली कर लेनी है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जो है कंपनी एक्ट में टाइम मिलता है 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको एक अपनी कंपनी के लिए CA अपॉइंट करना होता है, जिसको हम स्टैचुरी ऑडिटर बोलते हैं। और वो जो ऑडिटर है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फर्स्ट मीटिंग के अंदर आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। और इसके लिए जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म ADT1। तो फॉर्म ADT1 के थ्रू आपको अपनी कंपनी के लिए फर्स्ट स्टैचुरी ऑडिटर जो है वो अपॉइंट कर लेना है। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो स्टैचुरी ऑडिटर होगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम जब आप अपॉइंट करेंगे पहली बोर्ड मीटिंग में, तो वो 1 साल के लिए अपॉइंट करेंगे। उसके बाद उसको फर्दर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। तो ये आप पहले 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपना जो स्टैचुरी ऑडिटर है उसको आपको अपॉइंट कर लेना है, या आप कह सकते हैं आपको बोर्ड मीटिंग जो है वो 30 डेज के अंदर कर लेनी है। उसके बाद आपको बोर्ड मीटिंग के 15 दिन के बाद भी आपको स्टैचुरी ऑडिटर अपॉइंट करने का टाइम मिलेगा। तो जो स्टैचुरी ऑडिटर को अपॉइंट करने का टाइम रहेगा वो 45 दिन का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट उसके लिए जो आपको मीटिंग करनी रहेगी वो आपको 30 दिन की रहेगी, वो भी आगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। अब जब आप ये स्टैचुरी ऑर्डर अपॉइंट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या है, कंपनी का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट ले लेना है। ये आप कैसे लेंगे, इसके लिए आपको फॉर्म INC 20A फाइल करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो आपने ऊपर शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र करी थी अपने करंट बैंक अकाउंट के अंदर, वो बैंक स्टेटमेंट जो है आपको अटैच कर देनी है इस फॉर्म के अंदर। तो इस फॉर्मेट के अंदर जब ये आप अटैच कर देंगे वो बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपने शेयर कैपिटल करी थी, तो वो आपको जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कर देना है फॉर्म INC 20A के अंदर। और ये की जो टाइम लिमिट है, इसकी टाइम लिमिट भी दोस्तों क्या है, 180 दिन के अंदर आपको ये ले लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो कहने का मतलब मोटा मोटा 6 महीने का टाइम आपको मिल जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना। क्योंकि अगर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, तो इसके लिए बहुत ही हैवी पेनल्टी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 50,000 की पेनल्टी तो कंपनी के ऊपर लगा दी जाती है। उसके बाद 1,000 रुपये पर डे की दोस्तों इसके अंदर पेनल्टी है ईच डायरेक्टर के ऊपर। तो मिनिमम 2 डायरेक्टर तो प्राइवेट लिमिटेड में होते ही हैं, तो आप मान के चलिए
₹2,000 पर डे की पेनल्टी अलग से ये लगने वाली है। तो कमिश्नर ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट और स्टेचुरी ऑर्डर और शेयर सर्टिफिकेट जो ट्रांसफ़र कराने हैं आपको, शेयर कैपिटल जो ट्रांसफ़र करानी है बैंक अकाउंट के अंदर, ये तो आपकी इमीडिएट कंप्लाइंसेस हैं जो कि आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद करवा लेनी है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब चौथा है, देखिए जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा। वैसे तो जीएसटी नंबर जो कंपलसरी होता है अगर आपका टर्नओवर जो है 20 लाख रुपये से ज़्यादा अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट अगर आप गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो उस केस में जो लिमिट है 40 लाख है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स के अंदर ये जो है 10 लाख और 20 लाख भी है। अब वो क्या है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि आपको जीएसटी लेना कब कंपलसरी होता है, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो जीएसटी नंबर है आप इसको वॉलंटरी भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं, आपकी बिज़नेस की ऐसी डिमांड है, अगर सामने जो आपके क्लाइंट है वो कहते हैं आपसे कि आपको हम तो आपके साथ काम करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा, तो इस तरीके की सिचुएशन है तो आप इसको वॉलंटरी भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 20 लाख और 40 लाख क्रॉस होने के बाद ही रहेगी। अब आपको क्या है दोस्तों, ROC के अंदर आपको क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्टर्ड ऑफिस की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ये देनी होती है फॉर्म INC 22 के अंदर। वैसे तो क्या होता है जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है उसी टाइम क्या है आपकी ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है रजिस्टर्ड ऑफिस की, बट कई बार क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन होती है रजिस्टर्ड ऑफिस सेलेक्ट करने में, तो आप कुछ टाइम ले लेते हैं, तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट तो करवा लेते हैं बट वहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस को डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया है तो आपको फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जो है दे देना है, और इसके लिए जो फॉर्म आपका यूज़ होगा वो होगा INC 22। और जब ये सारा काम आप कर लें तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना जो कंपनी का यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो भी क्रिएट कर लें, ताकि आप जब भी अपनी रिटर्न फाइल करें तो आपको वो काम आएगा। तो ये जो भी मैंने आपसे तीन या चार चीज़ें जो डिस्कस की जो इमीडिएट आपको कंप्लाइंसेस करने हैं, तो मैं आपको इस एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि जो आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मीन्स आपकी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो 31 अगस्त 2020 को सपोज करें आपने इनकॉर्पोरेट की है, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का आप मान सकते हैं। तो अगस्त 2020 में आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पहली जो कंप्लाइंस थी, पहली कंप्लाइंस थी कि आपको पहली जो बोर्ड मीटिंग करनी है ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए वो करनी है आपको विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अभी आपकी जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो है 31 अगस्त 2020, तो इसका मतलब अगर इसमें 30 दिन आप जोड़ देंगे तो पहली आपको जो बोर्ड मीटिंग करनी है वो 30 सितंबर 2020 को करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी वो इससे रिप्लेस हो जाएगी और अकॉर्डिंगली आपकी ये डेट निकल के आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है 31 अगस्त 2020 का, तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो पुट कर दीजिए और उसमें 30 डेज ऐड कर दीजिए, तो आपका ये निकल जाने वाला है। इसके लिए फॉर्म कोई नहीं होता है, सिंपली ये जो है बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास करना हो तो उसके थ्रू हो जाता है। उसके बाद जब ये बोर्ड मीटिंग आप कर लेते हैं तो उस बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, आपकी कंपनी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना होता है। अब देखिए इसमें दो डेट निकल के आती हैं, एक तो आप बोल सकते हैं कि 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या तो आपकी जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 31 अगस्त 2020 उसके 45 दिन के अंदर कर सकते हैं, तो आपकी डेट निकल के आएगी 15 अक्टूबर 2020। या आप बोल सकते हैं दूसरे तरीके से इसको 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग की जो लास्ट डेट थी आपकी 30 सितंबर 2020 थी, तो उसके 15 दिन ऐड कर देंगे तब भी 15 अक्टूबर 2020 ही निकल के आएगा। और इसके लिए जो फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ADT 1 आपको फॉर्म इसमें यूज़ होगा। उसके बाद आपको जो है कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट ले लेना है, तो कमिश्नमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया ही था 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन के अंदर ले लेना है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 31 अगस्त 2020 थी, तो इसके अंदर आप 180 दिन ऐड कर देंगे तो आपका ये निकल के आएगा 27 फरवरी 2021। तो इसका भी जो फॉर्म है वो फॉर्म यूज़ होगा आपका INC 20A। और फाइनली अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये भी रजिस्टर्ड ऑफिस की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, तो इसमें भी अगर आप 30 डेज ऐड कर देंगे तो ये भी डेट आपकी निकल के आ जाएगी 30th September 2020, और जो फॉर्म यूज़ होगा वो होगा INC 22। तो दोस्तों ये तो आपकी इमीडिएट कंप्लाइंसेस रहने वाली हैं जब आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम कुछ और कंप्लाइंसेस देखते हैं। अब ये जो है कंप्लाइंसेस मैंने करनी है, ये करनी है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए आपकी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वो हुई थी 31 अगस्त 2020, तो आपके ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होने वाला है वो होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021। तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से ही आपको सारे जो है समझाने वाला हूँ, तो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका वो कंप्लाइंसेस मैं बात कर रहा हूँ जो आपको 3 महीने के अंदर करनी है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ होगा वो क्लोज हुआ होगा 31 मार्च 2021 को,
तो क्लोजिंग को 31 मार्च 2021 से अगले 3 महीने के अंदर आपको ये कंप्लाइंसेस करनी जरूरी हैं। तो सबसे पहली कंप्लाइंस हम देख लेते हैं। सबसे मेरी पहली कंप्लाइंस है, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन ऑल कंपनीज और फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल बाय गिविंग नोटिस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है दोस्तों, क्या होता है जब भी आप एक कंपनी में कोई डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, तो हर एक डायरेक्टर को क्या होता है अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होता है कि ऐसा तो नहीं है वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है और जो जिस कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर है उस कंपनी से जो है ये वाली जो कंपनी है वो कोई रॉ मटेरियल परचेज करती है, या इस कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है वो कोई जॉब पे तो नहीं है। तो इस तरीके से उसको जो है अपना कुछ इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज करना होता है। और ये जो डिस्क्लोज करने का टाइम लिमिट होता है ये होता है within 3 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मेरी जो क्लोजिंग हो रही है फाइनेंशियल ईयर की वो हो रही है 31 मार्च 2021 को, तो इसके 3 महीने अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरी जो डेट निकल के आएगी 30 जून तक का टाइम रहेगा आपको ये कंप्लाइंस कंप्लीट करने का। और इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो यूज़ होता है MBP 1। और ये जो कंप्लाइंस है दोस्तों ये ईयरली कंप्लाइंस है, मीन्स हर साल आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते ही आपको 3 महीने के अंदर ये कंप्लाइंस करनी है। तो ये आपकी ईयरली कंप्लाइंस हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं, एवरी डायरेक्टर कन्फर्मिंग डेट ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाई बिंग अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो इसी तरीके से हर एक डायरेक्टर को एक ये भी कन्फर्म करना होता है कि वो जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है बींग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है और अब वो किसी कंपनी में जो है डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसकी टाइम लिमिट भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो इसकी टाइम लिमिट है वो भी है 3 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी वो 31 मार्च 2021 थी, तो इसकी भी जो डेट पड़ेगी वो 30 जून तक आपको ये कंप्लाइंस कर लेनी है। और इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होगा वो फॉर्म यूज़ होगा DIR 8। और ये जो कंप्लाइंस है ये भी ईयरली कंप्लाइंस है, ये भी साल में आपको एक बार करनी है, मीन्स क्लोजिंग ईयर फाइनेंशियल होने के बाद आपको 3 महीने के अंदर। उसके बाद एक कंप्लाइंस आपको करनी पड़ती है, MSME आउटस्टैंडिंग एंड पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 40 डेज। अब क्या होता है कि MSME का मतलब होता है मीडियम स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस, या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हम इसको बोलते हैं दोस्तों। अब MSME में सर्टिफिकेट आप कैसे ले सकते हैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लें कि अगर आप भी MSME के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि MSME के लिए आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप वीडियो देख लीजिए, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। अब जो है MSME के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपलसरी किया हुआ है कि MSME को फ्रॉम द डेट ऑफ जब से इनवॉइस रेज किया गया है उसके द्वारा, तो 45 दिन के अंदर उसको पेमेंट करनी कंपलसरी है। तो अगर आपने उसको 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की है तो इसके लिए भी जो है आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या आता है, ये आपकी हाफ ईयरली रिटर्न जाती है और ये 2 बार जाती है साल में, मींस जो अप्रैल से लेके सितंबर तक ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए जो रिटर्न जाती है दोस्तों वो 31 अक्टूबर तक आपको रिटर्न एक देनी होती है, एक जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और जो उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च तक का डेटा होता है वो आपको देना होता है 30 अप्रैल तक। तो इसको हम जो बोलते हैं MSME 1 फॉर्म इसके लिए यूज़ होता है, ये हाफ ईयरली जाता है, आपको ध्यान रखना है ये हाफ ईयरली जाएगा, मींस आपका जो साल में 2 बार होगा। तो ये 3 महीने वाली कंप्लाइंस नहीं है कि आपको फ्रॉम द एंड ऑफ क्लोजिंग ईयर से 3 महीने के अंदर करनी है, ये आपको साल में 2 बार करनी पड़ेगी। जो आप ट्रांजैक्शन अप्रैल से सितंबर तक करेंगे, मींस जो भी परचेज आपने अप्रैल से सितंबर तक करी होगी और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट आपने विदिन 45 डेज नहीं की होगी, तो उसकी जो डिटेल है आपको 30 अक्टूबर तक देनी है। और उसके अलावा जो आपने अक्टूबर 20 से लेकर मार्च 21 तक जो भी परचेज की है अपने वेंडर से, तो उस केस कोई सर्विस का वेंडर भी हो सकता है, कोई मटेरियल का वेंडर भी हो सकता है, तो उसके लिए जो है आपको अगर कोई आपने ऐसी नॉन कंप्लाइंस की है कि 45 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसकी डिटेल आपको 30 अप्रैल तक देनी है। तो ये आपका ईयरली होने वाला नहीं है, ये आपका हाफ ईयरली होगा, 2 बार साल में आपको ये करना पड़ेगा। और फाइनली अब हम देख लेते हैं, फाइनली आपका क्या है, ए रिपोर्ट ऑफ डिपॉजिट और डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन डेट आर नॉट कंसिडर डिपॉजिट। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये बताया है कि क्या होता है कि जब आप कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं या आपने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं है जो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं भी आते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको जो है एक बार सबमिट करानी होती है ROC को। और इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो DPT 3 फॉर्म यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज करें जो कंपनी है वो कोई लोन ले लेती है, एडवांस ले लेती है, या मनी ले लेती है किसी जो है किसी भी बैंक से ले लेती है, किसी दूसरी कंपनी से ले लेती है, NBFC से ले लेती है, डायरेक्टर से ले लेती है, रिलेटिव से ले लेती है, किसी फ्रेंड से ले लेती है। तो मीन्स अगर कोई आपकी जो कंपनी है अगर उसने किसी भी तरीके का अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन किए हैं जो कि लोन एडवांसेस या मनी की उसमें अकाउंट होते हैं, तो उस केस में आपको क्या है कि उसकी भी डिटेल जो है उस डिपॉजिट की डिटेल या जो आपने पैसा रिसीव किया है किसी NBFC से, डायरेक्टर से, रिलेटिव से, कंपनी ने, तो सारी डिटेल आपको जो है देनी होती है। और ये डिटेल भी आपको 3 महीने के अंदर देनी होती है। तो कहने का मतलब ये है इसकी जो डेट रहती है इसकी डेट भी 30 जून 2021 तक आपने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, डिपॉजिट के अलावा कोई लोन एडवांस लिया है किसी फ्रेंड से या किसी से भी,
तो बैंक से भी लिया हो, इवन NBFC से लिया हो, कस्टमर से लिया, तो ये आपको सारा दिखाना होता है। और इसके लिए जो फॉर्म जाता है वो DPT 3 जाता है। तो आपकी जो ये कंप्लाइंस रहती है ये भी आपकी जो है ईयरली कंप्लाइंस रहने वाली है। तो ये जो कंप्लाइंस थी दोस्तों, इसमें जो मैक्सिमम कंप्लाइंस मैंने आपको बताई है, इसमें मैंने देखिए 4 कंप्लाइंस कवर की, 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों कंप्लाइंस में जो 3 कंप्लाइंस है वो आपको जो है 3 महीने के अंदर करनी है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और जो MSME वाली कंप्लाइंस है वो आपको साल के अंदर 2 बार करनी है, एक 30 अक्टूबर तक और एक 30 अप्रैल तक। चलिए अब हम कुछ और कंप्लाइंसेस देख लेते हैं। अब ये कंप्लाइंस है जो कि आपको 30 जून के बाद करनी है, मीनिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ही एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ। तो आपका जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 था, तो आपको अगर नेक्स्ट जो आप इसका असेसमेंट ईयर होगा, मीन्स 30 जून 2021 के बाद जो आपको कंप्लाइंसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 जून तक की तो हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद और क्या कंप्लाइंसेस रहने वाली है? अब देखिए, पहली कंप्लाइंस जो है वो 30 जून से, इसका मतलब नहीं है ये बोर्ड मीटिंग है आपकी। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग तो करनी ही करनी है। इसके अलावा आप 10 करना चाहते हैं, 20 करना चाहते हैं, 50 करना चाहते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट आपको एक साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग करनी ही करनी है। और इन 2 बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी गैप है वो 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए सेफर साइड में आप हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग जरूर कर लीजिए। तो आप मान के चलिए क्वार्टरली आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी ही करनी है। आप 2 भी कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 10 भी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट पूरे साल के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और जो 2 बोर्ड मीटिंग है उसमें गैप जो है 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये साल में 4 बार होंगी, तो आप मान के चलिए हर एक क्वार्टर में आप एक एक भी करते हैं तो वो सफिशिएंट रहने वाली है। तो यहाँ पर इसका 30 जून से कोई लेना देना नहीं है जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये सिंपली आपकी क्वार्टरली रहने वाली है। उसके बाद आपको अपने फाइनेंशियल्स जो है, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह जो आपके फाइनेंशियल हैं वो कंप्लीट कर लेने होते हैं। तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, ये आपके 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक आपको बनाने ही होते हैं। तो ये तो साल में एक बार ही बनते हैं फाइनेंशियल, जैसा कि आप जानते होंगे आपकी बैलेंस शीट या P&L तो साल में एक बार ही बनते हैं, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट या होते हैं, या ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट होता है, या ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होते हैं। तो ये नॉर्मली क्या है, 30 जून से 30 सितंबर के बीच में बना लेने होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब आपकी कंपनी नई होती है तो पहली जो जनरल मीटिंग के लिए टाइम दिया जाता है आपको, वो दिया जाता है विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर था वो 31 मार्च 2021 था, जो 2021 फाइनेंशियल ईयर था। तो मेरा क्लोजिंग जो था फाइनेंशियल ईयर था वो था, मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ, मैंने ऊपर लिखा भी है, तो मेरा जो क्लोजिंग था वो 31 मार्च 2021 का था। तो इसके लिए जो पहली आपको AGM का टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 9 महीने का। तो पहली AGM आपकी जो होगी वो होगी 31 दिसंबर 2021 को। तो ये आपको वन टाइम करनी है, क्योंकि पहली AGM के लिए तो 9 महीने का टाइम मिल रहा है, तो वन टाइम ही होगी। लेकिन ये जो AGM है ये हर साल होती है, लेकिन देखिए यहाँ मैंने आपको लिख दिया है सब्सिक्वेंट AGM। तो पहली AGM के लिए आपको 9 महीने का टाइम मिलता है, उसके बाद हर साल आपको AGM मिलनी है, करनी ही करनी है, बट वहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा वो 6 महीने का मिलेगा फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 है, तो उसके बाद आपको हर साल 30 सितंबर 2021 मिलने वाला। तो ये भी साल में आपको एक बार करनी है। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो आप मान के चलिए हर साल आपको जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उसके 6 महीने के अंदर आपको AGM करनी ही करनी है। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021 था, 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा था, तो मेरे को 30 सितंबर 2021 को करनी है। इसी तरीके से अगले फाइनेंशियल ईयर में जाऊंगा तो मुझे 30 सितंबर 2022 को करनी पड़ेगी, उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में जाऊंगा तो 30 सितंबर 2023 को करनी पड़ेगी। तो ये हर साल आपको जो है 6 महीने के अंदर करनी है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये सब्सिक्वेंट AGM आपको हर 6 महीने बाद करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, अब आपको ध्यान रखना है, जब ये AGM करनी होती है 30 सितंबर को, तो इससे पहले क्या होता है, AGM का नोटिस भी देना होता है। क्योंकि क्या होता है, जो नोटिस दिया जाता है AGM का, उसके साथ जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपके ऑडिटर ने ऑडिट किया है, तो उस नोटिस ऑफ AGM के साथ इन ऑडिटेड फाइनेंशियल को भी भेजा जाता है, ताकि जो भी आपके डायरेक्टर हैं या जो भी आपके की पर्सनल्स हैं वो उनको स्टडी कर सकें, उसके ऊपर अपना जो भी है उनको कमेंट कर सकें या डिस्कशन कर सकें उनके ऊपर। तो इसके लिए भी नोटिस देना होता है, और ये जो देना होता है ये देना होता है 21 डेज बिफोर द AGM डेट। तो कहने का मतलब, यहाँ पे जो आपकी AGM डेट थी वो 30 सितंबर 2021 थी, देखिए हमने यहाँ देखा था 30 सितंबर 2021, तो उससे 21 दिन पहले तो आपको AGM का नोटिस देना ही पड़ेगा। तो वो नोटिस का डेट आ गई आपकी 9 सितंबर 2021, तो ये भी आपको ईयरली करना है। तो कहने का मतलब है, जो भी आपको AGM अपॉइंट करनी है, AGM से एटलीस्ट 21 दिन पहले तो आपको उस AGM के लिए नोटिस देना होता है, और उस नोटिस के साथ जो भी आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सेंड करने होते हैं, ताकि उनके ऊपर डिस्कशन हो सके। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक बड़े इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर KYC। अब जो डायरेक्टर की KYC हर साल आपको करनी होती है, ये भी आपको हर साल बिफोर 30 सितंबर करनी होती है, और इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो यूज़ होता है DIR 3। ये आपकी ईयरली कंप्लाइंस होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप डायरेक्टर KYC करवाना भूल जाते हैं तो इसकी जो पेनल्टी है वो 5,000 रुपये की पेनल्टी है। मीन्स आपने डायरेक्टर KYC नहीं कराई है तो आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लग जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही। तो अगर एक डायरेक्टर
कि नहीं कराई है तो 5,000 है, तो दो डायरेक्टर आप मान लीजिए तो 10,000 की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। तो डायरेक्टर KYC आपको ईयरली करवानी है 30 सितंबर से पहले पहले, तो ये आपको हर साल करा लेनी है। इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो होता है DIR 3। अब उसके बाद देखिए आपको अपॉइंटमेंट करना होता है ऑडिटर का 5 साल के लिए। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट ऑडिटर की, देखिए आपको ध्यान भी होगा यहाँ पर जो फर्स्ट बोर्ड में आपको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ऑडिटर आप फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं वो आप 1 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आपको 1 साल के बाद जब पहली बैलेंस शीट को साइन कर देता है ऑडिटर तो आपको उसको फर्दर रिन्यू करना होता है। आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह किसी ऑडिटर को भी रख सकते हैं। तो पहला जो ऑडिटर आप अपॉइंट करते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको दोबारा से 5 साल के लिए ऑडिटर रखना होता है। और इसके लिए भी जो आपको टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है विद इन 15 डेज़ फ्रॉम द AGM। तो आपकी जो AGM की डेट थी मेरे केस में 30 सितंबर 2021 थी, तो कहने का मतलब है 15 अक्टूबर 2021 तक जो है आपको ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। और इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो यूज़ होता है दोस्तों ADT 1। तो ये आपको एक बार 5 साल के लिए कर लेना है, उसके बाद जो है अगले 5 साल तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका ADT 1 फॉर्म इसके लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक आपकी कंप्लाइंस होती है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ROC। तो जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपके फाइनेंशियल को ऑडिट किया है तो वो ऑडिटेड जो होते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ROC में सबमिट करने होते हैं। तो इसकी भी जो डेट होती है वो होती है विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द AGM। तो AGM आपकी 30 सितंबर 2021 को ही थी, तो 29 अक्टूबर 2021 तक कहने का मतलब है आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सबमिट कर देने हैं। और इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो यूज़ होता है AOC 4। तो AOC 4 में जो फॉर्म यूज़ होता है आपका, और ये आपकी कंप्लाइंस है, ये भी ईयरली कंप्लाइंस है क्योंकि साल में ये भी आपको एक बार करना होता है। यहाँ पर AOC 4 के अंदर क्या होता है, आपके जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह होती है उसमें वो सारे की सारी अटैचमेंट जो है उनकी स्कैन कॉपी चली जाती है। और उसके अलावा आपको मैनुअली भी उसके अंदर जो है सारी फिगर्स बैलेंस शीट वगैरह की फिगर जो है वो डालनी होती हैं। तो ये आपका AOC 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इनमें कुछ डिफॉल्ट कर देते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन गलत आप इसमें फिल कर देते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए आने वाले टाइम में दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो इसलिए आपको बहुत ही समझदारी के साथ ये फॉर्म आपके फिलअप करने होते हैं। उसके बाद आपका एक कंप्लाइंस होता है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब क्या होती है, आपकी एक एनुअल रिटर्न जानी होती है जब आपका AOC 4 चला जाता है, तो उसके बाद है कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। एनुअल रिटर्न के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको डिटेल देनी होती है कि आपने साल के अंदर कितनी बोर्ड मीटिंग की, कितनी शेयर होल्डर मीटिंग की, उनकी टाइमिंग क्या थी, कोई शेयर होल्डर पैटर्न में आपका चेंज हुआ है, कोई आपने डायरेक्टर को ऐड किया है उसको हटाया है, जो आपके की मैनेजरल पर्सन है आपका CEO है CFO है डायरेक्टर्स हैं उनकी रेमोरेशन की डिटेल जाती है, कंपोजिशन जाता है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, मीन्स उसमें कौन कौन है, MD कितने हैं, CEO कितने हैं, CFO कितने हैं, उसके अलावा कोई पेनल्टी या फीस अगर आपके ऊपर लगी है तो वो भी आपको देनी होती है। तो ये जो एनुअल रिटर्न आपकी जाती है ये 60 दिन के अंदर जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। तो AGM आपकी 30 सितंबर की हुई है तो 29 नवंबर तक आपको एनुअल रिटर्न फाइल कर देनी है। जो एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है ये होता है आपका MGT 7। तो ये भी आपका ईयरली फॉर्म है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका MG8 भी जाता है, लेकिन MG8 आपका तब जाता है अगर आपकी जो शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है या फिर आपका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है। अगर इनमें से एक भी होगा तो उस केस में आपको MG8 भी फाइल करना पड़ेगा MG8 के साथ साथ। तो ये भी आपका ईयरली कंप्लाइंस हो जाता है। बट अगर आपकी छोटी कंपनी है, जैसे कि मैं छोटी कंपनी की कंप्लाइंस ये बता रहा हूँ, आपने इनकॉर्पोरेट की है तो आपकी छोटी कंपनी है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाली जो है कंप्लाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी स्टार्टिंग में अगर आपकी कंपनी छोटी है। उसके बाद फाइनली आपको दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देनी होती है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो टाइम मिलता है वो मिलता है आपका 6 महीने फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च 2021 से अगर मैं बात करूँ तो 31 अक्टूबर 2021 तक आपको ITR फाइल कर लेनी होती है। और ITR कंपनी की जो फाइल होती है वो होती है ITR 6 फॉर्म, इसके लिए यूज़ होता है। ये भी आपकी ईयरली कंप्लाइंस है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर कुछ ईयरली कंप्लाइंस आपके साथ डिस्कस कर ली, इमीडिएट कंप्लाइंस आपके साथ डिस्कस कर ली, जो 3 महीने के अंदर कंप्लाइंस करनी है वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली। तो ये सारी ही सारी जो कंप्लाइंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस हैं दोस्तों, जो आपका DIR 3 है, मींस डायरेक्टर KYC जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस है। इसमें स्टेट फॉरवर्ड पेनल्टी है आपके पास। उसके बाद आपको ऑडिटर अपॉइंट करना होता है 5 साल के लिए। ये ROC की जो कंप्लाइंस है, मीन्स फॉर्म AOC 4 जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद एनुअल रिटर्न MGT 7। तो दोस्तों ये जो 4-5 कंप्लाइंसेज हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस हैं, क्योंकि इसके लिए आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्टली सबमिट होता है जो है MCA के पोर्टल पर। तो ये वाली जो कंप्लाइंसेज होती हैं एक्चुअली यहाँ पर आपको ये कहीं सबमिट नहीं करनी होती, ये आपको अपने रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करके रखनी होती हैं। बट ये वाली जो कंप्लाइंसेज हैं ये आपकी जो है MCA के पोर्टल पर सारी की सारी सबमिट होती हैं इन फॉर्म्स के अंदर। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है इनकी कंप्लाइंसेज के लिए। तो चलिए अब मैं कुछ रजिस्टर आपको बता देता हूँ जो आपको कंपलसरी मेंटेन करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर का रजिस्टर मेंटेन करना होता है। इसके अलावा आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डर्स, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करना होता है। कुछ ट्रांसफर आप
करते हैं शेयर्स वगैरह, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, कुछ आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनका रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो इनके अलावा, इन कंप्लाइंसिस के अलावा, ये रजिस्टर भी आपके जो है मेंटेन होने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने बड़ी ही इजी तरीके से आपको बताने की या समझाने की कोशिश की है, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं तो आपकी क्या क्या कंप्लाइंसिस रहने वाली हैं। तो आप भी अगर एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप भी ध्यान रखिए, जब भी आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराएंगे तो आपके साथ ये सारी कंप्लाइंसिस जुड़ने वाली हैं और आपको इनका बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं फ्यूचर में। तो मैंने अपने टॉपिक को बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है और पूरी डेट के साथ मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ, जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एग्जांपल लिया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने आपको ली, तो इनका रखने का पर्पस मेरे को यही था कि ताकि आपकी जो भी डेट रहने वाली है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की या जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा आप इससे डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बड़ा ईजी लगा होगा, समझने में आपको सारा क्लैरिटी मिली होगी, बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है इनको लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।